हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष गैजेट। और आज हम बात करने वाले हैं प्रभास अन्ना सर की मच 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 अवेटेड मूवी सालार द सागा के बारे में, उसी के साथ साथ इसके शूट के बारे में। सालार यूफीरिया इन 250 डेज, भाई साहब ओनली 250 दिन बचे हैं सालार द सागा को रिलीज होने में, और फैंस लिटरली इतने ज्यादा एक्साइटेड है। जब भी कोई सालार द सागा के बारे में कोई भी छोटा तो हो नहीं सकता, बड़ा ही अपडेट निकल कर आता है ना, तो फैंस काफी ज्यादा बोलते कि भाई ये क्या न्यू अपडेट आया है और ये क्या होने वाला है। और रिसेंटली सालार के कुछ नाइट शूट के फोटो भी वायरल हुए थे, उस समय भी काफी लोगों ने रिक्वायरमेंट की थी कि भाई ये चीज क्या है, लेकिन उस समय हम वीडियो नहीं बना पाए थे। सालार मूवी के बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई और बहनों, प्रभास अन्ना सर सालार द सागा के क्लाइमेक्स के लिए इतना जी तोड़ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस दिन ये थिएटर में लगेगी ना, सच में ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को, इंडियन सिनेमा को हिलाकर रख देगा, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को फाड़ फूड के पता नहीं कहां फेंकेगा। प्रशांत नील सर का कहना है कि इसका क्लाइमेक्स इतना खतरनाक होने वाला है कि फैंस के देखते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि यार इंडियन सिनेमा में ऐसी मूवियां भी बन रही। ये हम नहीं कह रहे, मूवी के डायरेक्टर कर्ता धरता यानी कि प्रशांत नील सर का ये कहना है, और प्रभास अन्ना सर भी काफी जी तोड़ मेहनत करते नजर आ रहे हैं उनकी अपकमिंग मूवी सालार द सागा के लिए। सालार द सागा के क्लाइमेक्स का शूट स्टार्ट हो गया है, और मूवी के लीड विलन यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन सर ने भी ज्वाइन कर लिया है, और प्रभास अन्ना सर शूट के लिए यानी क्लाइमेक्स के लिए इटली भी जा रहे हैं। मूवी के डायरेक्टर का कहना है कि काफी दमदार, काफी मतलब कि काफी मॉन्स्टर टाइप का एंडिंग होने वाला है, क्लाइमेक्स इतना ताबड़तोड़ होने वाला है कि फैंस सोच भी नहीं सकते। और इसका जब ये शूट खत्म होगा फरवरी के लास्ट में ना, मार्च के फर्स्ट वीक में इसे खत्म कर दिया जाएगा, उसी के बाद मूवी की टीम प्रोडक्शन में लग जाएगी और काफी हाई लेवल पे दिखाई पड़ रहा है। मूवी के मेकर्स काफी अटेंटिव है, प्रशांत नील सर काफी अटेंटिव है, और प्रभास अन्ना के क्लाइमेक्स का जो लुक निकल कर आया ना, वो काफी खुखार नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो कि रिसेंटली वायरल हुआ था उनके लुक को लेकर। और यह क्लाइमेक्स कहीं ना कहीं बता देगा कि भाई साहब इंडियन सिनेमा को बदल के रख देगा, और सच में, और ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को फाड़ के रख देगा, तोड़ मरोड़ के रख देगा और कहीं ना कहीं फेंक देगा। किसी में इतना दम नहीं है सालार द सागा को रोकने की, लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा कि भाई 2023 को उखाड़ के फेंक देगा सालार। वैसे सालार द सागा के क्लाइमेक्स के शूट को लेके आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है और आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम इसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते हैं आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, तो आकर मैसेज कर सकते हैं या फिर क्वेरी कर सकते हैं कोई भी मूवी के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।